नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। तो आज शुरुआत एक ऐसे हादसे के साथ जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये तो रोड रेस का मामला है और आपने न जाने कितने रोड रेस के किस्से देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन जो किस्सा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा न तो आपने कभी सुना होगा न देखा होगा। किस्सा सात समंदर पार रूस के साइबेरिया इलाके के एक शहर का है, जहां एक ड्राइवर को दूसरे ड्राइवर से पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि दोनों के बीच बातों की हद शायद छोटी पड़ गई। अब आप ये भी जानना जरूरी समझेंगे, जरूर जानना चाहेंगे कि जो ड्राइवर इस झगड़े में भारी पड़ा वो कौन था। रोड रेज का ऐसा किस्सा इससे पहले शायद ही देखा हो, कहा सुनी का ऐसा अंदाज शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। कार सवार की हेकड़ी निकालने का ये है रशियन स्टाइल। पहले तो आप इस तस्वीर को एक झटके में देख लीजिए, कुछ मामला समझ में आया शायद नहीं, तो चलिए हम आपको पूरा वाक्या बताते हैं। पूर्वी साइबेरिया के रूसी शहर इरकुत्स्क से यह किस्सा सामने आया है। दिन के उजाले में दर्जनों आंखों के सामने जो भी कुछ हुआ उसे देखने वाले हैरत में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले ना तो लोगों ने रोड रेज की वारदात का ऐसा अंजाम कभी देखा था और ना ही कभी किसी के साथ होगा ऐसा कभी किसी ने सोचा था। आपको आपकी स्क्रीन पर एक बड़ी कार नजर आ रही होगी, उसकी ड्राइविंग सीट पर जो बैठा नजर आ रहा है उसके हाव भाव और तौर तरीके को देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि वो किसी ऐसी बात पर गुस्सा जाहिर कर रहा है जो उसके सामने बेमौके और बेवक्त आकर खड़ी हो गई। यहां तक तो आपका अंदाजा एकदम दुरुस्त है। दरअसल शहर के एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग के चौराहे पर ये दोनों कारें एक दूसरे के सामने आकर उस वक्त खड़ी हो गई जब दोनों ही अपने अपने रास्ते पर पहले निकल जाने की जल्दबाजी में थे। जाहिर है रास्ते में जब कोई रास्ता काटता है तो बात खल जाती है, बस यही बात इन दोनों ड्राइवरों को अखर गई और अपनी अपनी बात को लेकर दोनों बीच सड़क में ही बातों बातों में उलझ गए। अब बात जब तक बातों की हद में थी तब तक तो किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी और खुद उन दोनों को भी अपनी बात के दमदार होने का अंदाजा नहीं मिल रहा था। तब एक ड्राइवर तेजी से अपनी कार से उतरा और दूसरे ड्राइवर के करीब जाकर उससे अपनी नाराजगी को जाहिर करने लगा। यहां तक भी सब कुछ मामूली सी बात लग रही थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो कतई मामूली नहीं था। अपनी कार से उतरकर दूसरे ड्राइवर के पास पहुंचे पहले ड्राइवर ने अचानक तेजी दिखाई और दूसरे ड्राइवर का दरवाजा खोलकर उसे एक झटके में किसी सामान की बोरी की तरह अपने कंधे पर उठा लिया। कंधे पर सवार ड्राइवर चीखता रहा, लेकिन उसे कंधे पर उठाने वाला ड्राइवर अनसुना ही करता रहा और सीधे अपनी कार के पीछे ले गया। वहां उसने एक हाथ से डिक्की खोली, कंधे पर सामान की मानिंद रखे ड्राइवर को डिक्की में पटका और फिर उसे एक एक जमाई और तेजी से डिक्की बंद कर दी। इसके बाद वो अपनी ड्राइविंग सीट पर सवार होकर अपनी कार लेकर चला गया। इस कहानी में अभी एक सस्पेंस बाकी है। सस्पेंस ये कि जिस ड्राइवर ने बातों की हद लांघते इस झगड़े में दूसरे ड्राइवर को अपने कंधे पर लादा वो ड्राइवर एक महिला है। चौंक गए ना? हम भी चौंक उठे थे जब हमने ये जाना कि 34 साल की ऑक्साना कौशलेवा ने सड़क के झगड़े का इस तरह निपटारा किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी तस्वीरों के साथ चर्चा होने लगी। खुलासा यही है कि ऑक्साना कौशलेवा पेशे से एक पावर लिफ्टर है और मिजाज से गुस्सैल। खुलासा यही है कि कौशलेवा ने उस ड्राइवर को दूर ले जाकर सड़क किनारे फेंक दिया और अपने रास्ते चली गई।
हालांकि बाद में पुलिस के सामने उसने यही बात कही कि वो इस झगड़े से बचना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से दूसरा ड्राइवर उससे बात कर रहा था उसे ये सबक सिखाना जरूरी था कि किसी महिला के साथ बात करने की तमीज क्या होती है और किसी के साथ बदतमीजी का अंजाम क्या हो सकता है। जोधपुर के एक पति पत्नी रात को फिल्म देखकर जब लौटे तो फिर जो तमाशा हुआ उसे शायद वो ताम्र न भूल सके। इस तमाशे में उन पति पत्नी के अलावा कुछ पुलिस वाले भी अहम किरदार में नजर आए और सबसे खास रोल निभाया पुलिस के उन आला अफसर ने जिन्हें मौके पर इसलिए बुलाया गया था ताकि वो अपने महकमे के सिपाहियों की करतूत देख लें, लेकिन उन्होंने तो आकर और भी बड़ा तमाशा बना दिया। सचमुच पुलिस की बेअदबी का इससे घिनौना चेहरा आपने कभी नहीं देखा होगा। हमने करा क्या? हमने करा क्या? लेडीज कांस्टेबल और साथ में नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं भी दिखा दूंगा लेडीज कांस्टेबल। मैं गलत नहीं हूँ। तू मत करे ना, तू बता। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। रात को 1:30 बजे आए हम लोग वापस घर पे। घर पे आते ही तो कुछ पुलिस वालों ने हमें ट्रैक किया, पीछे से देखा कि दोनों अकेले हैं। दारू पिए हुए हैं या आइए आप कुछ कर सकते हैं। हमने करा क्या? हमने करा क्या? हमने करा क्या? हमने करा क्या? दारू पी के हमने कोई काम नहीं करा। उठिए, दारू ये पिए हुए हैं। दारू पी के, दारू एक बार सुनो, इनको मुंह सुनो, दूर से बदबू आ रही है। नशे में धुत थे, PCR वैन लेके आए थे और हम लोगों से गलत बातचीत करने लग गए। तेरी साथ में दारू पिया हुआ, सुनो इसे। तुम्हें बताने की जरूरत है कि दारू पिया हुआ? मैंने इससे बदतमीजी से बात करी थी इसलिए मैं ही बताऊंगी। आपने खुद के कांस्टेबल को चेक करवाया नहीं और मेरे साथ में मारपीट करी, वहीं पे धक्का मुक्की करी। तसल्ली वाला जवाब दिया ना आपको? दिया ना। फिर दोबारा आके जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे आके गाड़ी रोकने का क्या मतलब हुआ? सब रात को अकेले रहते थे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, ये कोई तरीका है दारू पी के पूछने का? आपसे जानते नहीं है ना, दारू पी के पूछने का ये कोई तरीका है इनका? एक दिन हुए, दो दिन हुए, मेरे बाल खींचे, मेरे को हाथ मरोड़ के गाड़ी में लेके मतलब पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में रात भर मुझे और मेरे हस्बैंड को लॉकअप में न्यूड रखा। लेडीज कांस्टेबल और साथ में नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं भी दिखा दूंगा लेडीज कांस्टेबल। कैमरे के सामने बयां की जा रही बेशर्मी की हदों को लांघती ये वो सच्चाई है जिसे सुनकर किसी की भी आंखें शर्म से लाल हो सकती हैं, क्योंकि ये सच झूठ के नकाब से निकलकर सामने आया है। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए एक मोबाइल वीडियो के जरिए जोधपुर पुलिस का घिनौना सच और चेहरा सामने आ गया। लेडीज कांस्टेबल और साथ में नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं भी दिखा दूंगा लेडीज कांस्टेबल। मैं गलत नहीं हूँ। तू मत करे ना, तू बता। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। दारू पिए हुए हैं या आइए आप कुछ कर सकते हैं। हमने करा क्या? हमने करा क्या? हमने करा क्या? हमने करा क्या? दारू पी के हमने कोई काम नहीं करा। उठिए, दारू ये पिए हुए हैं। दारू पी के, दारू एक बार सुनो इसे। इनको मुंह सुनो, दूर से बदबू आ रही है। तेरी साथ में दारू पिया हुआ, सुनो इसे। तुम्हें बताने की जरूरत है कि दारू पिया हुआ? मैंने इससे बदतमीजी से बात करी थी इसलिए मैं ही बताऊंगी। तसल्ली वाला जवाब दिया ना आपको? दिया ना। फिर दोबारा आके जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे आके गाड़ी रोकने का क्या मतलब हुआ? सब रात को अकेले रहते थे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, ये कोई तरीका है दारू पी के पूछने का? आपसे जानते नहीं है ना, दारू पी के पूछने का ये कोई तरीका है इनका? है, एक दिन हुए, दो दिन हुए। किस्सा जोधपुर के सरदारपुरा गोल्ड बिल्डिंग इलाके का है, जहां 22 तारीख की रात 2 बजे एक पति पत्नी को उन्हीं के घर के नीचे से पुलिस पकड़कर थाने ले आई। और हैरानी तो इस बात की कि जिस कांस्टेबल ने ये हरकत की वो खुद शराब के नशे में धुत था। फोन लगा नहीं, कितनी देर से नहीं लग रहा है फोन? कोई बात नहीं, अभी ये तो दारू पीने में तो वो बढ़िया है, अच्छा आते हैं तो मालूम पड़ जाएगा अभी, और यही टेस्ट करवाऊंगा दारू का। ये दारू पिए हुए हैं सर, आइए आप भी आइए। किस्सा कुछ यूं है कि ये मियां बीवी देर रात फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। अपने घर की पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद दोनों घर की तरफ बढ़े ही थे कि तभी
नशे में बहकते कुछ पुलिस वालों ने इन दोनों को अदब में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। और जैसे ही पति पत्नी ने पुलिस वालों को ऑन ड्यूटी शराब पीने पर सवाल उठाया तो देखिए क्या हुआ। तसल्ली वाला जवाब दिया ना आपको, दिया ना, फिर दोबारा आके जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे आगे गाड़ी रोकने का क्या मतलब हुआ? सब रात को अकेले रहते थे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, ये कोई तरीका दारू पी के पूछने का? आपसे जानते नहीं है ना, दारू पी के पूछने का ये कोई तरीका है इनका? है एक दिन हो गए, दो दिन हो गए। पुलिस वाले पूरी तरह नशे में धुत थे। ऐसे में इन पुलिस वालों के चंगुल से बचने के लिए पति पत्नी ने एरिया के सर्किल ऑफिसर को बुलाने की बात कही। फोन लगा नहीं, कितनी देर से नहीं लग रहा है फोन? कोई बात नहीं, अभी ये तो दारू पीने में तो वो बढ़िया है, अच्छा आते हैं तो मालूम पड़ जाएगा अभी, और यही टेस्ट करवाऊंगा दारू का। गाड़ी खड़ी है, दस तरह बुलाए फोन कर। आयो तो ये दारू पिए हुए हैं सर, आइए आप भी आइए। मौके पर बुलाने पर सीओ साहब आ भी गए और दोनों पक्षों की बात भी सुन ली, लेकिन पुलिस अफसर ने जो फैसला किया उसे सुनकर तो पति पत्नी दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि सीओ साहब ने अपने ही घर के करीब पुलिस वालों से बहस में लगे पति पत्नी को ही गलत ठहरा दिया। बस फिर क्या था, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगी। जैसे जैसे रात गहरा रही थी बात और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, और थोड़ी देर में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले महिला और उसके पति को बेवजह थाने में मारपीट करते ले गए, जिसकी गवाही दी इलाके के सीसीटीवी कैमरे ने, जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों ने आग खोलकर गवाही दी कि किस तरह पुलिस वाले महिला को बेरहमी से बाल खींचते हुए गाड़ी तक लेकर आता है। तभी एक पुलिसकर्मी उसके हाथों को मोड़ता है, गाड़ी में जबरन डालने की कोशिश करता है, और फिर जैसे तैसे महिला को जबरन गाड़ी में डालकर वो सभी पुलिसकर्मी मौके से निकल जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। पुलिस स्टेशन में रात भर मुझे और मेरे हस्बैंड को लॉकअप में न्यूड रखा, बिना कपड़ों के, ठीक है, और मारपीट चली है हम दोनों के साथ में। सुबह तक हम मेरे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को किसी को कॉल नहीं करने दिया, जबकि हमारी गलती कुछ नहीं थी। हैरानी तब हुई जब शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में आला अधिकारियों से पूछा गया। मामला डिपार्टमेंट की नाक बचाने का था, लिहाजा केस उल्टे दंपति के सिर पर मर दिया गया। दंपति जो है, जो शिकायतकर्ता हैं तथाकथित, उनके खिलाफ सरदारपुरा थाने में राजकार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज हुआ है, तो उसकी अभी अनुसंधान चल रहा है। आलाकमान भले ही इस मामले पर तरह तरह की सफाई दे, लेकिन जोधपुर पुलिस की सच्चाई वीडियो के जरिए सबके सामने आ चुकी है। इस पर क्या ख्याल है उनका, ये अब तक साफ नहीं किया। वहीं दंपति ने अपने साथ हुए बदसलूकी के लिए इलाके के सीओ समेत पुलिस वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक शातिर चोर जिसे पुलिस ने बताया था पता, और अब पुलिस लगा रही है उसका पता। मुंबई अपने में मस्त और बेहद व्यस्त, इस शहर में आपको अजब गजब लोग कब कहां टकरा जाएं कोई भरोसा नहीं। अब हमारी अगली खबर को ही ले लीजिए, मुंबई पुलिस के होनहार पुलिस वालों से एक ऐसा शातिर चोर टकरा गया जिसने चोरी भी की और सीना जोरी भी। इतना ही नहीं, उस चोर को पता भी पूछना था तो बाकायदा पुलिस वालों से ही पूछा, और फिर चलता बना कुछ इस तरह से। शातिर चोर की शातिराना चाल, चोर ने पुलिस से पूछा रास्ता, पुलिस वालों की नजर के सामने चोरी भी की और सीना जोरी भी।
सीसीटीवी में कैद हुआ सारा किस्सा। सीसीटीवी में जो किस्सा तस्वीरों की शक्ल में आपके सामने आने वाला है, उसे देखने के बाद चोर की चालाकी कहें या पुलिस की बेपरवाही, देखने वाले खुद ही तय कर सकते हैं। बहरहाल तस्वीरों की गवाही तो यही कह रही है कि एक चोर ने रात के अंधेरे में पुलिस के सिपाही को कैसे उल्लू बनाया। किसी और ने देखा हो या ना देखा हो, एक सीसीटीवी ने देखकर उसे पूरे जमाने को दिखा दिया और वो किस्सा आप भी देखिए। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि मुंबई पुलिस की वर्दी पहनने वाला हर एक सिपाही ये मानकर चलता है कि किसी चोर की उसके आसपास फटकने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन बीती रात मुंबई से यह किस्सा आया जिसमें पुलिस की इसी गुमान को एक चोर ने आईना दिखा दिया। ये मुंबई के माही इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। किस्सा सुबह के करीब 4 बजे का है, यानी उस वक्त का जब हरदम जागने वाला मुंबई और उसकी ज्यादातर आबादी नींद की आगोश में थी। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, ना कोई आदमी ना कोई आदमजात। लेकिन तभी एक गाड़ी की लाइट में बैग के साथ एक शख्स नजर आता है। सीसीटीवी की जद में आते ही गाड़ी की पहचान मुकम्मल हो जाती है। पता चलता है कि ये एक पुलिस वैन है। वैन उस बैग वाले शख्स के पास पहुंचकर रुक जाती है। कुछ मिनटों बाद पुलिस की वो वैन अपने रास्ते आगे बढ़ जाती है और बैग वाला वो शख्स काफी देर तक उस वैन को देखता रहता है और फिर बड़े आराम से अपने रास्ते पर चल देता है। बेहद सीधी सादी सी दिखने वाली इन तस्वीरों का सच इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इस कहानी में एक ट्विस्ट है और उसका खुलासा हुआ 10 दिन बाद, जब पुलिस एक चोरी के सिलसिले में इस सीसीटीवी को खंगालने बैठी थी। झटका लगा ना? ठीक ऐसे ही झटका पुलिस को उस वक्त लगा जब उसने देखा कि चोर तो पुलिस के बेहद करीब से होकर गुजरा था। सिर्फ इतना ही नहीं, चोर पुलिस में कुछ बातचीत भी हुई थी। दरअसल सीसीटीवी में कैद ये शातिर चोर माहिम के उस इलाके में एक दुकान का शटर तोड़कर 48,000 रुपए के साथ कुछ कीमती सामान अपने छोटे से बैग में भरकर चलता बना। लेकिन रात के अंधेरे में वो रास्ता भूल गया। भटकते भटकते सुबह के 4 बज गए। अब रास्ते में कोई दिख नहीं रहा था जो उसको भूला हुआ रास्ता बता सके। तभी सुबह होने से पहले अंधेरे के आखिरी कोने में उसे पुलिस वाले दिख गए। बस उस शातिर चोर ने पूरे इत्मीनान के साथ पुलिस से अपने गुमशुदा रास्ते का पता पूछा। अगर इस बात का खुलासा सुनेंगे तो आपकी भी हंसी निकल पड़ेगी। दरअसल सुबह 4 बजे इस चोर को अपने पते तक कैसे पहुंचना है, इसका तरीका भी खुद पुलिस वालों ने ही उसे बताया था। पता यही चला है कि पुलिस वालों ने चोर को बताया कि इतनी सुबह उसे बस नहीं मिलेगी, लिहाजा आगे जाकर वो टैक्सी लेकर आगे बढ़ जाए। अपना खोया पता पाकर वो शातिर चोर मुस्कुराया, पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया और फिर हंसते हंसते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। मजे की बात यह है कि पुलिस वालों को जब इस चोर की कारस्तानी का पता चला तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और अब खुद भटक भटक कर उस चोर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।